दोस्तों आज हमारे सामने है अशोक लैंड की 2820 HM ट्रक, और ये जो है खास कर देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि यम कैबिन जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर आप मान सकते हैं अशोक लैंड में। और ये जो गाड़ियाँ हैं सभी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ हैं, खासकर इसके ऊपर पेट्रोलियम टैंकर बनने वाला है। तो आज यहाँ पर हम स्टॉकेड में आए थे तो यहाँ पर हमें लोकली जो है गाड़ियाँ दिख गई, तो आपके लिए इस गाड़ी का रिव्यू बनाना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर फ्रंट लुक की, तो फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर कैबिन मिल जाता है। यहाँ पर आपको ड्यूल हैलोजन हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है इंडिकेटर रिफ्लेक्टर के साथ। फ्रंट साइड में काफ़ी हेवी बम्पर दिया गया है। यहाँ पर फ्रंट साइड में टोइंग कपलिंग मिल जाती है और अशोक लैंड का बड़ा सा लोगो, अशोक लैंड की ब्रांडिंग। और अपर साइड में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है इतना जो काउल है आप नॉर्मली ट्रक्स में देखते होंगे, बट इसके ऊपर की जो बॉडी और कैबिन है ये खुद कंपनी बना कर देती है। और कंपनी का जो कैबिन है ना भाई, इसकी भी अभी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। यहाँ पर इस साइड में देख सकते हैं साइड से जो है गाड़ी का जो लुक है इस प्रकार दिखता है। यहाँ पर 2820 HM की ब्रांडिंग 295/95 D26 के टायर मिल जाते हैं। ये नई टायर साइज में पहली बार देख रहा हूँ भाई इसे ट्रक्स में। खासकर यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में लीफ एंड सस्पेंशन मिल जाता है, और ये इसका 200 HP का तगड़ा इंजन भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। और खासकर इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है KVS कंपनी का एडब्लू टैंक है, लीपार्ट से ओरिजिनल। इसमें पंप जो है वो एल्बुनियर का आता है और इसी जो है बॉश या TVS दोनों आउटसोर्स करवाते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये 30 feet में आती है, जिसमें आपको पीछे साइड में यहाँ पर डबल कमानी मिल जाती है, ड्राइवर एक्सल यहाँ पर इसका, और ये साइड लुक इस प्रकार दिखता है। ओवरऑल जो गाड़ी की लंबाई है आप चेकआउट कर सकते हैं, 30 feet के लोडिंग क्षेत्र में ये गाड़ी आती है। फ्यूल टैंक जो है 300 liters का आपको इसमें बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है, दो बैटरीज मिल जाती हैं, और इंटीरियर जो है इसका बहुत अच्छा है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा इंटीरियर मिल जाता है। यहाँ पर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, लीलैंड का 2-spoke स्टीयरिंग व्हील, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, ब्लोअर, यहाँ पर ECU, और भाई साहब ये देखिए स्लीपर कैबिन। फर्स्ट टाइम भाई मैं भी यम कैबिन को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इसमें आपको डबल स्लीपर मिल जाता है, जैसे कि आप अगर इसे उठाते हैं तो यहाँ पे लटका के आपको 2 sleeper बर्थ यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि बहुत शानदार है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी जो गाड़ी स्टॉकर्ड में खड़ी है, गवर्नमेंट की गाड़ी है, तो जब इसका बिल पास होगा तो गाड़ी जाएगी। ब्लोअर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर हेडलैम्प लेवल के वाइपर्स, इंडिकेटर्स और हॉर्न्स, और यहाँ पर हजार्ड लाइट के कंट्रोल्स। ये थी अशोक लैंड की 2820 HM ट्रक। आई होप आपको ये जो ट्रक से अच्छी लगी होगी। इसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है 28,000 kg का है, और अगर हम बात करें प्राइसिंग की तो नेरो प्राइसिंग जो है 36 lakh rupees तक जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस राज्य में रहते हैं, और इसमें एयर कंडीशन ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो ये थी अशोक लैंड की 2820 HM ट्रक। आपको गाड़ी किस लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।